जर्मन मूल की महिला फ्रेडरिक इरिना ब्रूनिंग उर्फ सुदेवी दासी को निस्वार्थ भाव से गोसेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। जिस कार्य के लिए सुदेवी को सम्मानित किया गया, अब उसी कार्य में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। दरअसल आरोप है कि सुदेवी को गौशाला की जमीन खाली करने के लिए स्थानीय लोगों की ओर से धमकी दी जा रही है। इन धमकियों से सुदेवी परेशान हो गई। इस मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस अधिकारियों से की है। सुदेवी तकरीबन 30 सालों से गोवर्धन थाना क्षेत्र के कस्बा राधाकुंड के नजदीक सुरभि गौशाला का संचालन करती आ रही है। तकरीबन 3 एकड़ की जमीन में गोवंशों की सेवा की जाती है। हालांकि सुदेवी का आरोप है कि अब गांव के कुछ लोग जमीन को खाली कराने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, गौशाला में आकर तोड़फोड़ भी की गई। इस मामले में एसएसपी कार्यालय में भी शिकायत की गई है। गौशाला का जमीन वाला जो है वो मेरे को बगान चाह रहे, मेरे को दारा आ रही है, लड़ाई करते रहते हैं। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ, कभी मरना बोलता है, कभी बगाना बोलता है, कभी इनसे बनाना मना करता, कभी लड़ाम नहीं बनाना मना करता। और मैंने कई बार कंप्लेंट कर दिया, मेरे लिए खतरा हो गया। वर्तमान में अपने पास कितनी गायें जो सेवा कर रही हैं? अभी 2500 ऊपर रह गई हैं। सुदेवी दास हैं गोवर्धन में, इन्होंने गौशाला चला रखी है अपनी, और इनको इनका जैसा कहना है कि हमको जो है कोई एक व्यक्ति है जिसने जमीन खाली करने की धमकी दी, जमीन खाली करने की मांग की है और जान से मारने की धमकी है। इस संबंध में मैंने अभी इंस्पेक्टर से बात भी की थी, वहाँ पर CEO और SDM ने आज का दिन इनको दिया था, बुलाया था अपने पास में, लेकिन ये वहाँ गए नहीं। मैंने उनको बताया है कि जाके वहाँ पे अपना पक्ष रखें ताकि ज़मीन की जांच और धमकी की जांच हो सके, उस पर हम विधि कार्रवाई कर सकें। तो इनको मैंने यहाँ से इनकी एप्लीकेशन ले ली, इनको यहाँ से गोवर्धन के लिए दी।